किशन वाली देखो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, ये तो थोड़ी चौड़ी हो जाएगी ना, वो थी 4 फुट, ये 4 फुट से लंबी है, 5 फुट समथिंग होता है, 6 फुट, 4 फुट इतने में थी, और लंबाई उसमें थी, लंबाई वाली की ज़्यादा अच्छी फिर सुंदर लग रही है ना। ये देखो ये है 4 फुट की, ये भी अच्छी है, ये है 4 फुट 2.5 फुट। अच्छा ये अलग अलग है, अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना, ये वाला डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है। ये वॉल्स की किस चीज़ की, ये रखना, ये रफ रफ सी है ना, ये भी वॉल्स गॉड ब्लेस यू है। क्या नहीं चाहिए, अच्छा ये लग गया भैया सीढ़ियां में, सुबह से कम किया भाई, सुबह से अभी तक नहीं आया। सुनो ये पत्थर कौन सा वाइट लगा रहे हैं, अभी तक कोई भोनी है, कल किया होगा तो हो सकता है। ये पत्थर नंबर क्या है, 554। भैया कौन सा वाला पत्थर लग रहा है, पुराने नीचे वाला या ऊपर वाला, ये पता नहीं चल रहा, वाइट ही लग रहा है। नहीं अभी वो होगा ना, सेम ही लग रहा है अंदर की इसकी साइड का। अरे हाँ हाँ वो घिसाई होगी तो डिजाइन आएगा, ये देखिए ना मजबूती इसका। हाँ ये है पुराना वाला, बस मत बोलो लग गया, वरना उखाड़ के ऊपर लगा पड़ेगा। ये जो ऊपर वाला था नया पत्थर, ये पूरा आगे इसमें कुछ पुराना भी लगाया है, चार लगाए सिर्फ, चार काट। अच्छा भैया लग गया ऊपर तक, अच्छा लग गया, चलो चढ़ जाए ऊपर, कोई बात नहीं, दौड़ो इसके आओ, 3 दिन हो गया भैया, हम अकेले ही 2-3 दिन के बराबर है, देखो ना। हाँ चलो अभी घर का व्यू तो प्रॉपर इनको बाद में ही दूंगी। तो गाइस देखो हमारी स्टेयर्स भी बन गई हैं, मुझे ये मालूम था क्योंकि मैं अभी काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, बीच बीच में आती भी थी, नहीं भी ऐसे बच्चों का होमवर्क का भी होता था। ये ऊपर वाला फ्लोर है, छत पे क्या हो रहा है, छत बना रहे हैं ना, छत की लेयरिंग करते हैं ना, अच्छा कच्ची से, वो तो लैंटर वाली छत होती है ना कच्ची। अच्छा दिख रहा है। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, जो कि बहुत टाइम बाद हमारा वीडियो आ रहा है, वो इसलिए कि हम इस भागदौड़ी में मैं कैमरा उठा नहीं पा रही हूँ, तो आज मौका लगा है, सुबह का टाइम है, अनाशा को छुट्टी होने वाली है, तो जो जो काम कर सकते हैं हम फटाफट लगे हुए हैं। तो अभी हम वॉश बेसिन लेकर आए हैं, अभी टाइल्स लेने जाना, और 1 बजे से पहले पहले काम खत्म करना है क्योंकि अनाशा को लेके आना है। सो मुझे पता कैसे ब्लॉग हो रहा है क्योंकि आज मैं बैक कैमरे से कर रही हूँ, सो बस मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ कितना काम हो गया। ये ऊपर वाला फ्लोर है हमारा जो कि, हाँ आपको दिखाएंगे अभी, आप बीच में एक्चुअली जब दिखाया था तो लेंटर डाला था उस टाइम पर, ये अभी मार्बल है लेकिन अभी घिसाई होगी तो आपको क्लियर दिखेगा डिज़ाइन इसका। सो ये हमारा मंदिर होगा, ये साथ में किचन है, अभी क्योंकि हमें नीचे वाली किचन ही यूज़ करेंगे तो नॉर्मली बस बना दिया हमने किचन, इधर हमारे 2 बेडरूम्स हैं, और ये बाहर का, अच्छा ये खोला हुआ एरिया है थोड़ा सा, ये बैक गली है हमारे यहाँ से, और ये बाथरूम है, इतना बड़ा बाथरूम बनवा दिया इन्होंने, देखो कितना बड़ा बाथरूम है, पता नहीं इसमें कैसे दिखाई दे रहा होगा, अभी फिटिंग विटिंग होनी है यहाँ पे, बाकी मैं आपको नीचे का दिखाती हूँ आके। तो चलो अभी नीचे चलते हैं, अभी तो बहुत काम है, बहुत टाइम है, धीरे धीरे काम चलता रहेगा। इधर वो लगेगा क्या, हाँ इधर तो स्टेयर्स लगेंगी, यहाँ पे स्टेयर्स लगेंगी ऊपर जाने, यहाँ पे जाने के लिए, ऊपर। सो चल रहा है अभी काम, और यहाँ पे देखते हैं अमरूद लगे हैं कि नहीं लगे हैं, अमरूद लगे हैं, ये देखना यहाँ से हमें ऐसे करना पड़ा क्योंकि हमने कहा पेड़ नहीं काटेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि फ्रूट्स लग गए थे इसमें ना, तो काटने का मन भी नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ से स्पेस छोड़ दिया। वो सामने आम का है, ये अमरूद, अरे लग रहे हैं, ये तो कितने छोटे छोटे से हैं, लग रहे हैं बाकी, चलो उन्हें इसके पैसे कटवाने हैं ना, बाकी बोल दिया इसको करते हैं। ये क्या गिरा, मुझे प्रेस भी चाहिए थी, मैंने ये प्रेस डबल टैप है बड़ी वाली, ऊपर से ऊपर वाले 3 मॉड्यूलर बोर्ड, भैया सामान करवा दो, पहले डालो, पहले प्रेस डाल के देखो, मुझे लग नहीं रहा क्योंकि मेरा हेलमेट भी नहीं आता तो ये आ जाएगा, मुश्किल लग रहा है, एक बार देख लो हाथी,
देखो आ गया, ये तो आगे आ जाएगा ना। सो गाइस हम घर से आ चुके हैं और ये आया था हमारा कोरियर। आई थिंक इसमें राखी है, घर जाके खोल के देखती हूँ। और मुझे 10 मिनट के बाद दोबारा जाना पड़ेगा अनायशा को लेने के लिए, क्योंकि उसकी छुट्टी होने वाली है। बहुत दूर से कोरियर आया, जरा खोलो देखो क्या है इसके अंदर। हमारी बहन ने भेजा इतनी दूर से, रिश्ता ही बदल गया है। राखी के दिन खोलेंगे ना? नहीं, अरे देखो ना क्या आया है। उसे चैलेंज किया था कि मैं राखी से पहले भिजवाऊंगी। देखो खोलो, सैनिटाइज है, टेंशन ना लो, खोलो। एक्चुअली ये राखी भेजी है मेरी सिस्टर ने, इनकी साली ने। इनको कह रही मैं ना बहन बनूंगी, राखी भेजूंगी, तो उसने राखी भेजी है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा है काफी यहाँ पे ना, बट देखो राखी है पक्का। स्वीटी तेरी राखी पहुंच गई है। अब जी जीजू गिफ्ट रेडी रखना, अब साली का नहीं बहन का है ना। वो चॉकलेट भी भेजी है, मैं चॉकलेट से कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये बहन खा सकती है। यार ये रिश्ता उल्टा पुल्टा हो गया, वो साली भी है। तुम्हें भी बहन बनाना पड़ेगा। देख रहा, साली ने अपने जीजा जी के लिए राखी भेजी, अब समझ नहीं आ रहा वो जीजू बोलेगी या भैया बोलेगी, और फिर मैं क्या बोलूंगी। हैं? भाभी बोलेगी। वो मुझे क्या बोलेगी और मैं उसको क्या बोलूंगी? तुम्हें बोलेगी भाभी। यार ये रिश्ते उल्टे फुलटे हो रहे, स्वीटी तुमने गड़बड़ कर दी है राखी भेज के, बड़ा कॉम्प्लिकेशन होने लग गया। अब इसमें समझ नहीं आ रहा कि कौन किसको क्या बोलेगा। चलो कल बांधेंगे राखी फिर। अभी मैं देखो ऐसे कैसे बैठी हूँ, अनायशा का 5 मिनट में टाइम होने वाला, अब उसको लेने जाऊंगी अनायशा को, और ना ही लंच बनाया अभी तक। अब लंच बनाओ। एना स्कूल से आके हेलो तो बोल दो फ्रेंड्स को, हाय तो बोल दो, हेलो। चलो फिर एना भागते भागते गाने का ध्यान इसके ऊपर गया, स्पाइडर मैन ऐसी उड़ी जा रहा, आधी हवा निकल गई इसकी। एना देखना स्कूल से आते ना इतनी धूप तेज हो रही है ना, और इसको ना झूला झूला, और मुझे ना इस टाइम ऐसा होता है कि फटाफट घर जाके बैठ जाओ बस फैन एसी लगा कर ना। एना मैं बहुत थक गई। अच्छा वन बारी ना, ये वन बोल के भी ना 2-3 बार भाग गया। देखा मुझे पता था 2 बारी ओनली 1 10 नहीं। मम्मा को चक्कर आ रहे हैं, पापा वेट कर रहे हैं ऊपर। जल्दी जल्दी शाबाश, 1 बारी अनु प्लीज, मुझे पकड़ के लेके भागना पड़ता है। देखो मेरे हाथ में अनु बैग भी है आपका, प्लीज ओनली 1 ठीक है, गुड गर्ल है ना मेरा। शाबाश जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी, फिर मैं शाम को नहीं लेके आऊंगी आपको। वो देखो अंकल आ रहे गॉड। हाँ शाम को बहुत सारा खेलना, मम्मा लेके आएगी ना। ये कितना गुड गर्ल है देखो भाई। चलो 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 चलो, अरे ध्यान से ना, ध्यान से ध्यान से। ओहो आंटी ने ट्री कहाँ लगाया है? रास्ता ब्लॉक हो, ये कहाँ से आया, किसने लगाया है? ये दादी ने लगाया है। चलो ये देखो, मैं ऊपर चाबी ढूंढ रही हूँ, मुझे स्कूटी की चाबी चाहिए, मैं आरव को लेने जा रही हूँ, तो कह रहे चाबी ऊपर ही रखी है, स्कूटी में नहीं है। ये देखो मैं अभी नीचे आई हूँ, ये प्रूफ है कि चाबी स्कूटी में लगी थी। 15 मिनट से आरव का वेट कर रही हूँ, वो देखना अपने दोस्त के साथ ना गप्पे मारता हुआ आ रहा है। देख मुझे देखता है कि नहीं देखता, कैप्चर करती हूँ गप्पों में। इसने मुझे देख लिया है, एक्टिंग कर रहा है ये, थप्पड़ खाएगा खिंचा के मेरे से। एक्टिंग मत कर जरा, चल जल्दी आ। नाराज होके गया हुआ है सुबह लड़के। है ना ये तो शिवा। सो गाइस अभी हो रहे हैं 5 और बस मैं चाय पी के फटाफट हम निकलने वाले हैं और टाइल्स देखने के लिए, क्योंकि ना उस समय हम टाइल्स ले नहीं पाए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। हमने वॉश बेसिन लिया था और वो घर पर ड्रॉप करके हम आ गए थे। सो हम चाय पी के, अनायशा सो रही है तो हम निकलते हैं फटाफट क्योंकि बहुत लेट हो गया, मिलते हैं डायरेक्ट वहीं पर। चाबी लेके नहीं आए, जाओ जाओ और घूम करना भाई। लास्ट टाइम तुमने की थी, तुम्हें पता नीचे आ रही हो, मुझे लगा तुम्हारे साथ नहीं होगी पर्स में। हम दोनों नीचे चले गए फटाफट से और इनको लगा कि चाबी मैं लेके आ रही हूँ, मुझे लगा कि चाबी इनके पास है, और नीचे जाके बोल रहे चाबी दे दे, देखो मेरी डुप्लीकेट ट्विंस। ये कहाँ से निकाल रहे हो? यहीं से निकलते हैं। अच्छा पेट्रोल पंप के लिए यही रास्ता है। आज है ट्यूसडे मार्केट यार, मैं वीडियो बनाई, तुम दो पैसे नहीं आते पैसे। 120 पेटीएम कर दिया, ये तू तुम करोगे, तुम करो ना सब। वो तो नहीं जो मंदिर में चढ़ा देते हैं आगे, हूँ वो वही बताया गया। अरे वही इसका तो डाउट है भैया आपको भी, ठीक है वो शमशान वाले ना लेके आओ। हमारी ये डिग्गी मर्सिडीज से ज़्यादा काम देती है।
इस दिक्कत की वजह से ना ये इसको हल्की सी हैंड करने मुझे अपनी बुलेट से ज़्यादा अच्छी लगती है। इन्होंने मेरी स्कूटी पे हथियार लिया हुआ अपना हाथ ना, ना बुलेट देते हैं मुझे अपनी। इन्होंने क्या किसको बोल दिया तुम्हें, ये तुम वीडियो बना रही हो? तुमने बोला मुझे स्कूटी में मज़ा आता है, जबकि स्कूटी अब तुम स्कूटी भी ले जाते हो और बुलेट मेरे को चलानी नहीं आती है, मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन है। तुम्हें इस पूरी मंगल बाजार में तुम्हें कौन सी प्राइवेसी है, तुम्हारी पूरे मंगल बाजार की प्राइवेसी बताओगे? फ्रूट्स तो है ना अभी। चलो ये सब देख के ना मुझे चक्कर आने लग गए हैं, आप मेरी किचन की हालत देख सकते हो। मेरे 4 दिन से मेड छुट्टी पे है और सारा काम मैं खुद कर रही हूँ, बट आज मेरा सारा दिन मतलब घर से बाहर निकला और ये देखना हालत, सुबह से मतलब बिल्कुल मतलब टाइम भी नहीं लगा। अब आए हैं मार्केट से सब्जी वगैरह लेके, सारे काम वाम करके टाइल्स वगैरह लेके अब ये सारा समेटती हूँ और खाना बनाती हूँ, और अभी हो रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं। तो ये आफ्टर है और बट थोड़े से बर्तन मतलब छोड़ दिए, अभी मेरे को खाना बनाना है क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं और हम हो गए हैं लेट, बट ठीक है इतना कर लिया। और अब मैं बनाऊंगी सब्जी फटाफट से क्योंकि बहुत लेट हो चुका है हमें आज। तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू विंची लॉग। वेलकम नहीं, हम गुड नाइट कर रहे हैं, हम बहुत थक चुके हैं, बहुत चुके हैं। और ये चिढ़ रही है, ये बहुत चिड़ू राम है। सो गाइस अभी हमारा हो गया डिनर और हम बहुत थक चुके हैं, और मैं शिबू का समझा रही थी कि पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन मत ले, मत पढ़, 1 तारीख से पेपर है इसके, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा बेटा कोई टेंशन ना ले, बस भीख मांग लेंगे, भीख मांग के कमा लेंगे, खा लेंगे, बस तू टेंशन ना ले, मत पढ़। चल व्लॉग एंड कर, चल बाय कर। तो बाय बाय गाइस, और आज इस व्लॉग को हम एंड करने से पहले एक बहुत अच्छी खुशखबरी दूं। ये देखो एक ये क्यों बंद किया भैया का मुंह, खुश को। अरे भैया ब्लॉग एंड कर रहे हैं, नहीं देते कल राखी है भैया, गिफ्ट नहीं देंगे आपको, कल राखी है, कल राखी है ना, कल राखी है। तो गाइस अब ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय, गुड बाय।